Hi everyone, this is Hania Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. पर आप कुर्सी पे बैठ के आवाम की खिदमत करेंगे, मेरी खिदमत की गवाही मेरे इलाके के आवाम देंगे। नहीं नहीं, वो लड़की का भाई जो है वो उसको जलाने लगा था, मैंने तो जाके बचाया है और फिर मेरी बीवी ने उसको अपने घर में पना दी है। माशाल्लाह बहुत खुदा तर्स खातून है, आप इस बारे में उनसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं ताबेदार, ओके, खुदा हाफिज़। देख तूने ठुकराया था ना मुझे, अपनी नजरों में गिर गई थी मैं, जैसे बंदा गटर में गिरता है ना ऐसे। राशिद, तुम्हें पता है मुझे आज अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिल गई है। तू जानना नहीं चाहता इसमें क्या लिखा? देखना। और मेरे लिए तू खैर खैरियत से रहे, यही बहुत है। अंग्रेजी में तो तू इंटर पास है ना, इतनी अंग्रेजी तो तू भी पढ़ लेगा। देख। अब्बा बेटा लिखा है ना? तुझे देख के खुशी नहीं हुई कि बेटा है? तुझे बेटा नहीं चाहिए? नहीं, बेटा नहीं चाहिए मुझे, और मैं चौधरियों के लिए एक और गुलाम नहीं पैदा करना चाहता। मेरी बेटियां मेरे लिए बहुत है। से इतना सा काम नहीं हो सका मेरे पीछे, मेरे रास्ते के रोड़े को हटाना था तूने। इलेक्शन सर पे ना होते ना तो मैं देख लेता तुझे भी, और वो जिसके इशारों पे तू नाच रहा है। तुम दोनों समी को भगाना चाहते हो मुझे नीचा दिखाने के लिए। सुन, अगले इतवार मैं सम्मी से निकाह करूंगा और तेरी चुदरैन मीडिया के सामने बयान देगी कि ये फैसला हमने सम्मी को बचाने के लिए किया है, और तू गवाही देगा कि सम्मी का भाई उसको कत्ल करना चाहता था और तू उसके साथ बराबर शरीक था। और तुझे गवाही देनी होगी कि अगर चंद्रैन सम्मी को पनाह ना देती और मुझसे नकाह ना करवाती तो सम्मी का भाई और तू उसको मार डालते। अगले हफ्ते मेरे और सम्मी के नकाह के बाद तूने चंद्रैन के साथ मेल के ये बयान देना है मीडिया को, समझ रहा है तू?
निकाह की तैयारी कर। सुन लो सारे, अगले हफ्ते निकाह है मेरा। कौन है तू? जी मैं चांदी, ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन है? शहर में ब्यूटी पार्लर खोला है मैंने। इधर क्या कर रही हो? ओके, इसने तो नहीं बुलाया, इसको भी बड़ा शौक है सुनाना सिंगार का सुनारी बनने का। मैं चंद्रानी से मिल सकती हूँ जी? चंद्रायन ने बनाया, पर ब्यूटिशियन तो दुल्हनों का श्रृंगार करती है। चंद्रायन क्या दुल्हन बनने लगी है? दुल्हन तो वह है जी, खुदा उनके दूल्हा को सलामत रखे। ठीक है ठीक है, जा मिल ले चंद्रायन से। तो क्या पता तुझे दुल्हन को भी सजाना पड़ जाए। अच्छा जी, किसकी शादी है? बता देंगे तुझे। आपकी बेटी की शादी है जी? नहीं नहीं, वक्त आने पर बताएंगे तुझे। जा तू मिल ले चंद्रयान से। अरे सुनानी मजे की है ब्यूटिशियन। जा। इतनी ऊंची शान वाली हैं आप, चौधरायन के लाती हैं। चौधरी रब नवाज की बीवी हैं आप। सुना है मैका भी बड़ी ऊंची पग वाला है आपका। इतनी बेबसी, एक बच्ची को नहीं बचा सकी। वो बंदा ही क्या चौधरानी जी, जो बेबसी से दूसरे इंसान पर होता जुल्म देखता रहे। मैं ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए कर रही थी, और मुझे क्या पता था कि ये बात इस तरह गले पड़ जाएगी। आप भी अपना सूद ही देख रही हो। देख लिया है मैंने चौधरानी जी, अजमा के देख लिया है। हराम के माल की तरह नेकी में सूदखोरी बंदे को रास नहीं आती। मुझे भी अपनी नेकी में सूदखोरी रास नहीं आई, आपको भी नहीं आएगी, उल्टा नुकसान हो जाना है। तुम ले जाओ उसे यहां से, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे साथ ही तो नहीं जाएगी वो, बात तो करके देखो। मुझसे बात करेगी? उसके पास और कोई रास्ता नहीं, कोशिश करके देख लो। उठो अभी उससे चल के बात कर। नफरत करती है वो मुझसे। पिंजरे में बड़े पंछी की क्या नफरत और क्या मोहब्बत, उसे तो सिर्फ पिंजरे के दरवाजे खुलने से मतलब होता है। चलो आओ मेरे साथ। सम्मी, सम्मी,
कैसी है तू? जहर लग रही हूं ना तुझे? तो सोच रही है चांदी मैडम कंबक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, यहां भी आ गई मेरे पीछे पीछे हैं? बहुत खूबसूरत हो गई है तू, हमेशा से ही थी, बिल्कुल जैसे मेरे सालार को नजर आती थी। तुझे पता है ना सम्मी, सालार नहीं रहा, अच्छा चल चल मैं तुझे लेने आई हूँ, चल मेरे साथ, वो चौधरी तुझसे निकाह करने वाला है अगले इतवार को, तू चल मेरे साथ, मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाए यहाँ से। तू पागल हो गई है क्या? वो सच में निकाह कर रहा है तुझसे, करेगी उस बुड्ढे से निकाह? कोई मुझसे निकाह नहीं करेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी, मुझे भाग कर कहीं नहीं जाना, मैं अपने मामला खुद संभाल सकती हूँ, आपकी मदद की जरूरत नहीं है मुझे, जाए आप यहाँ से। ठोकरें खा के अपने पैरों पे खड़ा होना आ गया तुझे? जीरो से लाखों की हो गई तू, पर तू इन ताकत वालों को नहीं जानती है सम्मी, अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे ये हमें, कीड़े मकोड़े हैं हम। मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं, मैं इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, इनको अदालत में लेके जाऊंगी, आपकी मदद नहीं चाहिए मुझे, आप जाए। चल चॉइस आ रहे, चल सम्मी मैं फिर आऊंगी, तू फिक्र ना करना, कुछ करेंगे हम, डरना नहीं सम्मी। हेलो शाज़िब। हाँ खैरियत सर? मुझे लगता है कि सम्मी अब्बू को गिरफ्तार करवा देगी सर, अब्बू जेल में कैसे रहेंगे, मैं नहीं देख सकता उन्हें जेल में सर, सर आप सम्मी को कहें वो आपकी बात मान लेगी। शाज़िब मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होगा, तुम परेशान मत हो। नहीं सर ऐसा ही है, उसने फिर कहा है और अम्मी जी ने खुद सुना है, सर आप कुछ करें। अच्छा मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तुम फोन रखो मैं देखता हूँ। चौधरी साहब ये आ नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से लेके आए इसे। ठीक है जाओ तुम लोग। क्या बात है, तुम्हें कोई तकलीफ है यहाँ? तो ऐसे अपना घर समझो, मजे से रहो। तुझे ये बताने के लिए बुलाया है कि अगले इतवार को तेरा निकाह है। मेरी तरफ देखो, तो तुझे पता है तेरा निकाह किसके साथ हो रहा है? अब मेरी तरफ देख। तेरा निकाह मुझसे हो रहा है अगले इतवार। मैं ये निकाह नहीं करूंगी चौधरी साहब। क्या कहा फिर बोल।
ये निकाह नहीं हो सकता जब तक मैं ना चाहूं। याद है कि अब तू बोलने भी लग गई है। जी चौधरी साहब। तुझे पता है मुझसे कैसे बात की जाती है? जी चौधरी साहब। ये पता ना कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। जी चौधरी साहब। तो फिर भी तू बेशर्मों की तरह बोले जा रहे हैं मेरे आगे। नई जिंदगी दी है मैंने, तो लगता है तुझे जिंदगी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए जिंदगी? नहीं चाहिए। दूसरी सूरत में मैं तुझे तेरे भाई के हवाले कर दूंगा जो तुझे जिंदा जला देना चाहता है। तो जला दे, मुझे आपके साथ निकाह ना मंजूर है। अगले इतवार को तेरा निकाह मुझसे हो रहा है, चाहे तू हाँ कहे या ना। तो ये औरत की ना की कोई हैसियत नहीं होती। निकाह नहीं होगा चौधरी साहब। ना कानून के मुताबिक और ना ही शरीयत के मुताबिक। चल साहब नहीं। चल। देखिए बीबी, हम बहुत दिनों से खामोश रहकर आपके करतूतों का तमाशा देख रहे हैं, लेकिन बात अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप जैसी औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये शरीफों का मोहल्ला है, इसलिए हमारा ये हक है कि हम अपने मोहल्ले को बुराई से पाक करें। आप जो बात करना है वो असल बात कीजिए भाई साहब। असल बात ये है कि हमारा मोहल्ला फौरन छोड़ दो। क्यों? इसलिए तुम एक अच्छी औरत नहीं हो और तुम नाजायज जिंदगी गुजार रही हो गुलामों के साथ। मैं गुलामों की निकाह में बंधी हुई बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम उसकी बीवी हो तो दिखाओ निकाहनामा। क्यों दिखाओ निकाहनामा? आपकी बीवी के पास रखा है उसका अपना निकाहनामा। अगर कोई बेवक्त आपके घर में घुस के आपकी बीवी से उसका निकाहनामा मांगे तो वो दिखा देगी? उससे निकाहनामा दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा मोहल्ला जानता है वो मेरी बीवी है और मेरे बच्चों की माँ है। तो ठीक है, फिर आप भी सुन लें और मोहल्ले को भी सुना दें, मैं ना ही दुख्तर नियाज़ अहमद गुलाम रसूल की मनकुहा हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अब बराए मेहरबानी मेरे घर से बाहर चले जाइए, क्योंकि मैं इस वक्त घर में अकेली हूँ और मेरे शौहर रोजगार की तलाश में शहर से बाहर गए हैं। तुम्हारा शौहर कब तक वापस आएगा? जब उनका काम खत्म हो जाएगा। जाइए यहाँ से। तो देखा था ना कागान में कैसा था, सच्चा, जिंदगी से भरपूर। मेरी जिंदगी खा गई उसकी, मेरी जिंदगी खा गई उसकी, इसलिए मैं तुझसे नहीं मिलना चाहती थी, तुझे मैं नहीं देखना चाहती थी, मुझे लगता था मेरा दिल टूट जाएगा। कैसा सख्त पत्थर जैसा दिल हो गया मेरा, पटना भी नहीं है, ऐसे कैसे खड़ा बच्चे। मैं आपका सलार ही हूँ और हमेशा आपका सलार ही रहूंगा। मेरी सलार से दोस्ती कोई लंबी नहीं थी, बस कुछ फेसबुक के लाइक्स और कमेंट्स और एक कागान का सफर, मगर मैं हमेशा आपका सलार ही रहूंगा।
मेरा सालार है। तो सम्मी को बचा, कुछ भी कर, किसी भी कीमत पे सम्मी को बचा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं करनी है, बचाना है हर कीमत पे। वो तो बुद्धू है, पता नहीं क्या क्या सोच रही है, बिफरी बैठी है, उसको समझ में नहीं आ रहा, अहमक है। मुझे डर लग रहा है वो खुद को दोजख में डाल दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे जानता हूँ, मुझे यकीन है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो पुलिस को खबर करो। मैंने कोशिश की थी पुलिस वालों को बताने की, मगर पुलिस और कानून उस रकासा की तरह है जो सिर्फ नोट फेंकने वालों के सामने नाचती है। दे दो ना पैसे, दे दो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इतना पैसा मेरी कब्र में तो आएगा नहीं। दे दो, पेट भरो उनके। इंसान का पेट उसकी कब्र से तो छोटा ही था, कितना पैसा खाएंगे। सभी को बचा लो। हेलो हेलो समी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा लग रहा है घर के बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हालात अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुए, बल्कि शायद और खराब हो गए। आप फिक्र ना करें, मैं हालात को ठीक कर लूंगी। कैसे? बस अब हर बात से इनकार कर दूंगी। किस किस बात से? मेरे बनी होने से, चौधरी साहब के साथ निकाह करने से। वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ से निकलने का तो सोचो। हेलो हेलो, यहाँ से निकलने का नहीं सोचा अभी? मुझे यहाँ बहुत डर लगता है सर। छुप के भागना नहीं चाहते। मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, मैं सबके सामने इज्जत के साथ यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। अब और वीरे से और नहीं भाग सकती, उनसे छुप के नहीं जाना चाहती, उनसे छुप के नहीं जाना चाहती। मैंने तुम्हारे यहाँ से निकलने का इंतजाम किया है। कोशिश करेंगे कि तुम मुझे पता है कि तुम अपने अब्बा और वीर को छोड़ नहीं सकती, ऐसा ही है ना? मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, बस मुझे उससे मिलवा दे, बस अपने गले से लगाना चाहता हूँ। सिर्फ एक बारी मुझे उससे मिलवा दे। उस दिन तू उसे लेके आया था ना, मेरा बड़ा जी चाहा था कि उसे अपने गले से लगा लूं, पर मुझसे नहीं हुआ। मैं बेगैरत गैरत बंद बन के खड़ा रह गया। मैं बहुत बड़ा जाहिल हूं, मैं उसे अपनी मलकियत समझता रहा, जैसे खेती हमारी मलकियत होती है, पर वो हमारी मलकियत नहीं है, वो भी इंसान है। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई राशिद, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दे ना। कुछ कर राशिद, कुछ कर। अल्लाह तेनु सात सात पुत्र दे, तेरी मां दी गोदी च सात सात पोते खेडन, एक मजबूर मां दी दुआ है तेनु।
पुत्र नहीं चाहिए मुझे। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटियाँ, और अगर दुआ देनी है ना तो ये दे कि मेरी बेटियों के साथ वो ना हो जो तेरी बेटी के साथ हुआ। चुद्राणी जी आप मेरे पे मेहरबानी फरमाएं, मेरी जान बख्शी करें, मुझे गरीब की नौकरी चली जाएगी। चौधरी साहब को पता चल गया ना आप इधर आई हैं, मेरी वर्दी तो जानी जानी है, मेरी जान बचानी औखी हो जानी है जी। मैं यहाँ चौधराइन की हैसियत से नहीं आई, मेरा नाम जुलेखा बानो है और ये है समी, रियाज की धी। अब लिख एफआईआर। मैं नहीं लिख सकता बेगम साहिबा, मेरी जान बख्शी करें, मैं ये काम नहीं कर सकता। तू यहाँ आवाम की खिदमत के लिए बैठा है या चौधरी साहब के मुलाजिम है तू? ये वर्दी तो चौधरी साहब ने दिलवाई है जी, और महकमे में तरक्की भी चौधरी साहब की सिफारिश से ही हुई है। आगे भी महकमे में मुझे चौधरी साहब का हाथ अपने सर पे चाहिए। इसका मतलब है कि तू रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा? आप चौधरी साहब से फोन करवा दें जी, मैं तो गर्दन भी पेश कर दूंगा जी। तू इस महकमे में बैठकर एक जुर्म का शरीक वार बन रहा है, और मैं तेरे खिलाफ भी रिपोर्ट कर सकती हूँ। करवा दे ये रिपोर्ट, चौधरी साहब के बड़े हाथ हैं, छुड़वा लेंगे। ये मैंने ये रिपोर्ट लिख दी ना, चौधरी साहब के उससे भी बड़े हाथ हैं जी, वो मेरा तो क्या मेरी नस्लों का सफाया कर देंगे। करवा दे जी आप रिपोर्ट। करवा आपको शर्म आनी चाहिए, आप वाकई हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, चाहे कितना भी जुल्म हो जाए, चाहे मेरा कत्ल हो जाए, फिर भी आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। और बीबी पहले तू कत्ल हो जा फिर आज रिपोर्ट लिखवाने, लिख दूंगा तेरे भाई के खिलाफ। मेरी रिपोर्ट लिखना आपका फर्ज है, अगर मेरा जबरदस्ती लिखा हुआ तो वो आपके सर पे आएगा, अगर मेरा जबरदस्ती कत्ल हुआ तो वो भी आपके सर पे आएगा, समझे आप? सम्मी मैं तुझे ढूंढ रहा था। मारना चाहता है ना मुझे, तो मार दे वीरे, खत्म कर ये कहानी। तुझे एक बार गले लगाना चाहता हूँ, मेरी गुड़िया है ना, तेरी सम्मी, मुझे माफ कर दे, मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दे, एक बार गले सम्मी। ओए तेरे जैसे बगैरत नहीं होते वीर, जो टुकड़े टुकड़े करके चीलों के आगे डाल दे, वीर बनने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। चाल भी नहीं गया, तू ही चाल। चाल ले, मैंने परवेश का कत्ल किया। चुप है सम्मी, अपनी बहन को मार। चुप, मैंने कत्ल किया। चाल निकल। मैंने कत्ल किया। निकल है, मैंने कत्ल किया है। अरे भाई, ओ भाई मैंने कत्ल किया है, सो रहे क्यों नहीं रहे, मैंने कत्ल किया है। सलाम जोश साहब, सरकार आपका गुलाम करमदाद बात कर रहा तो मामला यहां तक पहुंच गया है। तो और क्या करती, इसको ले जाके दिखा दिया मैंने कि पुलिस में जाने से कुछ नहीं होता। रोए जा रही थी मेरे सामने कि मुझे अपने भाई की रिपोर्ट लिखवानी है, और वहां जाकर इसने आपके साथ निकाह का मामला उठा दिया। घसीटती भी लेकर आई हूं मैं इसको वहां से, इतना समझाया है इसको लेकिन इसकी समझ में कोई बात ही नहीं आती। और तुझे तो शर्म भी नहीं आती, एक तो हम तुझे इज्जत दे के सर पे बिठा रहे और तू हमारे सामने स्यापे डाल रही है। और एक बात गौर से समझ ले कि किसी की जरूरत नहीं है कि चॉइस आपके सामने आंख भी उठा के देखे। हालत तो देख अपनी, वो तुझे देख के लगता है कि अगले इतवार को तेरा निकाह होने वाला है। कल बुलाती हूं मैं उस ब्यूटिशियन को कि इसको देखने के काबिल तो बनाए। चल चल अंदर।
थक गई हूँ सर। आपने मुझे कहा था कि अगर मैं उठ खड़ी हुई तो सब ठीक हो जाएगा। गलत कहा था, सब कुछ और खराब हो गया। आज मेरा इतना दिल किया कि मैं वीरे को गले लगा लूं। वो रो रहा था, बाजू फैलाए खड़ा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं बहुत बुरी हूँ सर, बहुत बुरी हूँ। तुम बहुत अच्छी हो गई हो, तुम जिंदा हो गई हो। और मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। तुमने अगर अपने वीर के सामने जुबान ना खोली होती, अपनी बेगुनाही पर बात ना की होती, अपना एहतजाज ना किया होता, तो आज कभी भी तुम्हारा वीर तुम्हें गले लगाने के लिए आगे ना बढ़ा होता। सब कुछ वो ही होगा जो तुम चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बोलना होगा। मुझे इतना बोलना नहीं आता सर। इतना अच्छा बोलने लगी हो, जब तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह का उजाला हो रहा है। एक लंबी सी रात के बाद सुबह हो रही है, एक ऐसी सुबह जिसे तलू होना ही था, जिसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। मुझे मुश्किल बातें समझ नहीं आती सर। सलार भी बिल्कुल ऐसी ही मुश्किल बातें करता था। ठीक पहचाना तुमने। अब मैं आधा अलियान और आधा सलार हो चुका हूँ। खैर तुम सो जाओ। मुझे नींद से भी डर लगता है सर, कि सोते में कुछ हो ना जाए, कोई आ ना जाए। तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। ना कोई आएगा और ना कुछ होगा। फिर आप तो बहुत दूर हैं सर। बहुत दूर नहीं हूँ, समझो मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही पहरा दे रहा। कान पर रखो, सो जाओ और मैं जागता रहूंगा। अरे सनीमा आओ, आ जाओ बैठो। खैरियत है सनीमा? नहीं, मैं तेरी अमानत लौटाने आई हूँ। अमानत? ये तेरे बेटे का अल्ट्रासाउंड है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरे राशिद को बेटियां चाहिए। कहा था ना झूठ का खेल मत खेलो, गले पड़ जाएगा। पता चल गया ना तुम्हारे शौहर को? मेरे मियाँ को बेटा नहीं चाहिए। क्या मतलब? उसे सिर्फ बेटियां चाहिए। मैं समझी नहीं सलीमा। राशिद कहते वो इन्हें सर आंखों पे बिठा के रखेगा, उसके लिए बेटियां ही सब कुछ है, वो दिल से लगा के रखेगा उनको। उसको बेटा नहीं चाहिए। चलो अच्छी बात, कम से कम तुम्हारे शौहर को तुम्हारा दिल रखना तो आ गया ना। नहीं, दिल नहीं रख रहा, वो सचमुच मरना चाह रहा है। वो तो तुम पे हमेशा से मरता है सलीमा। अब मुझ पे नहीं मरता, अब अपनी बेटियों पे मरता है वो। तुमने बता दिया उसको कि तुम गलत रिपोर्ट लाई थी? उसने तो देखा ही नहीं सही तरह से। नहीं तो उसको बेटा नहीं, सिर्फ बेटियां चाहिए। और तुम्हारी सास? जब चोर दुपट्टे के पल्लू से बंधा हुआ ना, सास तो क्या जमाना भी कुछ नहीं कर सकता है। सच कह रही हूँ, जब शौहर दुपट्टे के पल्लू से बंधा। अभी तक पता नहीं चला तेरे शौहर का? उस दिल के इंतजार में बैठी रहेगी तू? नहीं तो जैसे बेटा है ना, उसके लिए हिम्मत से सर उठा ले तू। चल तू हिम्मत कर, तेरे पास तो बेटा है ना।